सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए हमारे देश में, यही संविधान की मूल भावना है। देश के आम चुनावों के लिए वोटिंग होने में कुछ महीने ही बाकी हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC को लाने की तैयारियां शुरू हुई, वैसे ही यूपी में भी इसकी चर्चाएं तेज हो गई। यूपी विधानसभा में शामिल होने पहुंचे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से इस पर सवाल किया गया तो वो अपने चिर परिचित अंदाज में UCC पर तगड़ी बात कह गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूरी बताते हुए राजा भैया ने इसको संविधान की मूल भावना तक कह दिया। दरअसल राजा भैया सदन पहुंचे थे, गाड़ी से उतरकर सदन के अंदर जाने को हुए तभी उनसे पत्रकारों ने जानना चाहा कि पुष्कर सिंह धामी के UCC लाने के फैसले पर वो क्या कहना चाहेंगे। इसके जवाब में राजा भैया ने कहा, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए, हमारे देश में यही संविधान की मूल भावना है। बिल्कुल होना ही चाहिए, सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए हमारे देश में, यही संविधान की मूल भावना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये हैं कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहावी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग हैं। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून हैं। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहिता महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा देने की बात कही गई है।